नमस्कार नमस्कार तो सर। आप सभी को नमस्ते प्रणाम। सर। नमस्ते 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 सर जी। ओम सर नमः जी, शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओके जी, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो अभी तक की ओवरऑल एनएलपी में बहुत सारी चीजें समझी, और साथ साथ जो हमारा सेकेंडरी कोर्स चल रहा था साइकोलॉजी ऑफ मनी, दोनों कॉम्बिनेशन से हमें ये तो पता लगा कि ना तो मैं अकेला हूँ, ना मैं अधूरा हूँ, ना ही मुझे किसी की जरूरत है। और मुझे ये भी पता लगा कि मैं हूँ, और मेरे साथ जो मेरी स्ट्रेंथ है वो मेरे भीतर है, जिनको मैं बाहर ढूंढता था, रिश्तों के अंदर, चमत्कार के अंदर, या डिफरेंट डिफरेंट चीजों के अंदर जो मैं चीजें ढूंढता था वो सब बाहर है, और जो कुछ था वो सब कुछ है। तो जब ये सब मुझे समझ में आता है तो साथ में मुझे एक बात और भी समझ में आती है कि अब किक स्टार्ट की जरूरत है। जो भी मैं अपने जीवन में करता हूँ अब मेरे को सबको किक स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि अभी तक जो था दैट इज लर्निंग, अब मेरे को आना है प्रैक्टिकलिटी के अंदर आना है। और प्रैक्टिकलिटी के अंदर पहली जो अचीवमेंट है, वो मेरी जो पहली अचीवमेंट, उसको मैं 2023 के शुरुआती पलों में, मतलब शुरुआती पलों में ही अचीव करूंगा। बी रेडी फॉर 2023। ठीक है जी, अभी तैयार है? पक्का तैयार है? ओके, बहुत बढ़िया। तो क्या पूछूं मैं आपसे, हाउस द जोश? बहुत बढ़िया, चलिए ठीक है जी। ओके, तो आज हम समझते हैं, आज हम करेंगे टाइमलाइन हीलिंग। ठीक है जी, सब कुछ जो आज से पहले घटा उसमें से हम अच्छा, जो आज से पहले रिश्ते खराब थे उनको हम माफ कर चुके हैं, जो आज से पहले बिलिंग सिस्टम थे उसको हम बदल चुके हैं, जो आज से पहले मतलब चीजें मुझे ट्रिगर नहीं कर सकती थी उसके लिए हम ट्रिगर बना चुके हैं, सब कुछ हमने डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कर लिया, आज हम कुछ सबसे अलग करेंगे। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी आदरणीय सदस्य अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाए। स्माइल नहीं आप आज, थक गए क्या सभी? ओके, सभी आदरणीय सदस्य अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। मैंने कहा स्माइल नहीं आज चेहरों पर, तो पता है जब जिंदगी ही मेरे ही कंट्रोल में है तो सोचना क्यों है, मुस्कुराना है ना। ठीक है जी, टुडे इज द डे जब हम अपने अचीवमेंट्स के ऊपर बात करेंगे, कि इतने दायरे में जो आज तक की लाइफ गई हमारी, उतने दायरे में क्या मैंने खोया और क्या मैंने पाया। एनएलपी के अंदर हमने अपने आप को कितना जाना, साइकोलॉजी ऑफ मनी के अंदर हमने कितने आपको जाना, मैंने स्वयं को कितना जाना, उन अचीवमेंट्स के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सभी आदरणीय सदस्य विनती है, क्लोज योर आईज, क्लोज योर आईज, क्लोज योर आईज। खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए कुछ पल अपने आप के लिए, कुछ पल खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए। हाँ जी, सॉक्स चप्पल बिल्कुल डाल सकते हैं जी, और थक जाएं बहुत ज्यादा तो बैठ भी सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, बंद आंखों से खुद को खुद के साथ होने का एहसास महसूस करवाएंगे। बंद आंखों से खुद को खुद के साथ होने का एहसास महसूस करवाएंगे, और आपका स्टेटमेंट होना चाहिए, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सबको वॉइस क्लियर है ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
अपने आप के होने का एहसास करेंगे, जैसे कि आप हैं, आपसे कितने रिश्ते जुड़े हैं, आपके होने से कितने रिश्ते जुड़े हैं। अपने होने का एहसास कीजिए कि आप इतने इम्पोर्टेंट हैं, आप किसी के मामा हैं, किसी के चाचा हैं, किसी के भाई हैं, किसी की दादी हैं, किसी की नानी हैं, किसी की बुआ हैं, किसी की चाची हैं। अपने उन सभी रिश्तों को अपने साथ जोड़िए कि आप कितने रिश्तों में हैं, आप कितने रिश्तों के बीच में आपके होने का अस्तित्व है। अपने आप को उन रिश्तों से जोड़िए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं हूं, इस रिश्ते को, इस रिश्ते का एहसास कीजिए। मैं हूं, इस रिश्ते का एहसास कीजिए। अपने होने का एहसास कीजिए। सभी रिश्तों को याद कीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक एक रिश्ते को पकड़िए। पहली बार किसी के भाई बने या बहन बने, किसी की बेटी बने या किसी का बेटा बने, पहले रिश्ते से शुरू कीजिए। हर एहसास को जिए। पहले सारे रिश्तों का डेटा बनाइए, जितने भी रिश्ते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपने इमोशनल इनर के अंदर खुद को समेट लीजिए। अपने इमोशनल इनर के अंदर खुद को समेट लीजिए। अपने हर रिश्ते को पहचानिए। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। हर एक एहसास को, आपके पैदा होने से आप कितने रिश्तों के साथ जुड़े, किस किस को आपने क्या क्या दिया। जब पैदा हुए तो माता को माता होने का एहसास दिया, पिता को पिता होने का एहसास दिया, भाई को भाई होने का एहसास दिया। उन सब के एहसास के साथ अपने एहसासों को जोड़िए। पैदा होते ही कितने रिश्तों से जुड़े और फिर किस प्रकार से ये रिश्ते आगे बढ़ते गए। हर एक रिश्ते में रहना, उस रिश्ते को निभाना, उन रिश्तों का हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंस, अच्छे पल, प्यार, हर एक मोमेंट्स को याद करेंगे। कुछ रिश्तों में अच्छे पल नहीं होंगे, फिर भी हम उनमें से कुछ अच्छे पलों को निकालेंगे। जैसे आज अगर आप उनसे बात नहीं करते, कभी तो हम उनसे बात करते थे, कभी तो उनकी वजह से हमारे चेहरे पर स्माइल आती थी या हमारी वजह से उनके चेहरे पर स्माइल आती थी। बहुत बढ़िया, हर छोटे से छोटे रिश्ते को याद करेंगे। हर छोटे से छोटे रिश्ते को याद करेंगे।
आपके होने से कितने रिश्ते जिंदा हैं, क्या सिर्फ आप जिंदा हैं या वो रिश्ते जिंदा हैं। उन रिश्तों में आप कहाँ हैं, चाहे यह हमारा मानना है रिश्ते साथ नहीं देते या रिश्ते साथ नहीं निभाते, फिर भी जरा गौर कीजिए और ध्यान से देखिए कि रिश्ते आपके होने से जिंदा हैं। आप हैं तो वो रिश्ते हैं, उन रिश्तों का एहसास कीजिए। बहुत बड़ी, कितने रिश्ते बचपन से अब तक जोड़े हुए हैं। हर एक रिश्ते के बारे में सोचिए, कितने रिश्ते पैदा होते ही रिश्ते बन गए थे। पैदा होते ही हमने एहसास को बांटना और एहसास को महसूस करना शुरू कर दिया था। जिस दिन मेरा जन्म हुआ उस दिन मेरे साथ कुछ रिश्तों का भी जन्म हुआ। किसी ने गर्व से कहा मैं मामा बन गया, किसी ने गर्व से कहा मैं पिता बन गया, किसी ने गर्व से कहा मैं भाई बन गया, किसी ने गर्व से कहा मैं बुआ बन गया, किसी ने गर्व से कहा मैं चाचा बन गया। हर रिश्ते के बारे में बात करेंगे, हर रिश्ते का एहसास महसूस करेंगे। कितने मीठे एहसास हैं रिश्तों के, कितने प्यारे एहसास हैं। गौर से सोचेंगे तो सारे रिश्ते एहसासों के हैं, सारे रिश्ते प्राउड के हैं, सारे रिश्ते मेरे होने से हैं, मेरे अस्तित्व से हैं। वो मोमेंट जब हम जुड़ते चले जाते हैं रिश्तों से, वो मोमेंट जब रिश्ते हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, जब रिश्ते हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, वो रिश्ते जिनके बारे में हम कुछ नहीं जानते बट वो अपने आप बनते चले जाते हैं, हम रिश्तों की डोर में बंधते चले जाते हैं। आज हम हर रिश्ते को खूबसूरती से निभाएंगे। हर रिश्ते में जो हमारा दायित्व है, हमारा जो समर्पण है, हमारा जो एहसास है, उसे हम जिएंगे। देखिए 5 साल की आयु तक कितने रिश्ते बने, फिर कुछ अलग रिश्ते दोस्त बने, गुरु बने, टीचर बने, कोई अंकल कोई आंटी, आसपास नए रिश्ते बनने लगे। जैसे जैसे जीवन बढ़ता जा रहा है, हमारे जीवन के अंदर रिश्तों का संसार भी बड़ा होता चला जा रहा है। रिश्तों का संसार कितना बड़ा है, जितना सोचते हैं उससे शायद कहीं गुना ज्यादा बड़ा। शायद रिश्ते भी हमारे एक टीचर हैं,
जो हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। हमारे चेहरे पर कभी खुशी का कारण, कभी गुस्से का कारण बन जाते हैं। रिश्ते जिनके साथ आपकी भावनाएं जुड़ी हैं, रिश्ते जिनके साथ आपका प्यार है, आपका लगाव है, जिनके प्रति आपके मन में गुस्सा है, हर रिश्ते को याद करेंगे, हर मोमेंट को याद करेंगे और सोचेंगे, क्या बस मैं उतना ही हूँ जितना लोग मुझे मेरे नाम से जानते हैं? मैं कुछ और भी हूँ, किसी का मामा, किसी का चाचा, किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का दोस्त, किसी का पड़ोसी, किसी की बुआ, किसी की नानी, किसी की दादी, किसी की चाची, और भी तो रिश्ते हैं मेरे। क्या मैं सिर्फ इतना ही हूँ, या मेरी डोर औरों के साथ भी जुड़ी है? मेरी डोर कहाँ कहाँ जुड़ी है, मेरी डोर किस किस के साथ जुड़ी है? हर एहसास को जिएंगे। बचपन के कुछ रिश्ते, हमारे भाई बहन, कजन्स, दोस्त, सबको याद करेंगे, उन एहसासों को महसूस करेंगे, उन पलों को महसूस करेंगे जब हम उनके साथ हंसते थे, जब हम उनके साथ खेलते थे, जब हम उनके आने का इंतजार करते थे, जब हम उनसे उम्मीदें रखते थे। अपनी हर मेमोरी को रिकॉल करेंगे, अपने हर रिश्ते को याद करेंगे। बहुत बढ़िया, उन रिश्तों में कितने मीठे एहसास हैं, कितनी यादें हैं, कितने अनुभव हैं, उनके ऊपर विचार करेंगे। उन रिश्तों में कितने मीठे एहसास हैं, कितने अनुभव हैं, कितने विचार हैं, कितने एहसास हैं, उनके ऊपर विचार करेंगे। रिश्ते खट्टे मीठे होते हैं, पूरे मिठास पर फोकस करेंगे। उन रिश्तों के बीच में खुद को महसूस करेंगे, कभी मामा के घर जाना, कभी बुआ के घर जाना, कभी चाचा के साथ जाना, कभी किसी की डांट खाना, हर एक पल को याद करेंगे, हर एक रिश्ते को याद करेंगे। कितना प्यारा एहसास है जीवन में हमारे कितने साथ हैं, कितने रिश्ते, कितने दोस्त,
सब कुछ। देखिए, जैसे जैसे बड़े हुए हम रिश्तों के अंदर खुद ही क्रिएशन में आ गए। अब हमारे अपने बहुत रिश्ते हैं, हर रिश्ते को याद करेंगे, हर रिश्ते के एहसास को याद करेंगे। वो पहली बार, वो बार बार उस रिश्ते के साथ जुड़े रहना, उस रिश्ते को जीना, हर एक पल को याद रखेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इस रिश्ते में कितनी मिठास है, इन रिश्तों में कितनी मिठास है। इन रिश्तों में कितना कुछ खास है, कितनी यादें, कितने अनुभव, कितने एहसास हैं। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। हर एक पल में मेरे विचार इन रिश्तों से जुड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं इन रिश्ते में मेरी जिम्मेदारियां भी जुड़ी हुई हैं। इन रिश्तों में ऐसे भी बहुत रिश्ते हैं जहां अब साथ नहीं है, जहां हम हैं पर साथ नहीं है, विवाद है और बात नहीं है। बहुत ऐसे रिश्तों को भी याद करेंगे और रिश्तों में जो खटास के कारण हैं, रिश्ते बिगड़ने के जो कारण हैं, उन कारणों पर विचार करेंगे। आपके रिश्ते बिगड़ने में जो कारण हैं, उन कारणों पर विचार करेंगे और अपने आप से पूछेंगे, क्या माफ किया जा सकता है? क्या रिश्ते का कारण कोई धोखा है? खटास का कारण कोई धोखा है? क्या कोई पैसे की बात है, प्रॉपर्टी की बात है? क्या गलती हमारी ही है? क्या जानबूझ के इग्नोर किया जा रहा है उस रिश्ते के अंदर? हर एक बात पर विचार करेंगे और अपने इनर सेल्फ से क्वेश्चन करेंगे कि जब रिश्ते से जुड़ा हर एक विचार है, तो क्या माफ किया जा सकता है? क्या भीतर से, इनर से माफ किया जा सकता है? जो रिश्ते साथ हैं बट उनमें खटास है, क्या उन रिश्तों को माफ किया जा सकता है? पैदा होने से अब तक
रिश्तों की डोर में बंधे हैं, क्या इन डोरों को मजबूत किया जा सकता है? स्वयं से पूछेंगे, क्या जिन रिश्तों में मिठास है उन रिश्तों को और मजबूत किया जा सकता है? मैं अपने जीवन में जो भी कुछ करूंगा, जो भी कुछ पाऊंगा, सब कुछ मुझे रिश्तों से भी जोड़ता है। क्या इन रिश्तों में जुड़े विचार जो कि रखना बेकार है, उन्हें खत्म किया जा सकता है? अपने इनर सेल्फ से पूछेंगे, और माफ कर देंगे। हर रिश्ते से हमारे विचार जुड़े हुए हैं। रिश्ते अच्छे हैं या बुरे हैं, हम उसके साथ किसी डोर में बंधे हैं। उस डोर को छोड़ने की बजाय हम खींच लेंगे और मजबूत करेंगे अपने हर उस रिश्ते को जो कहीं पीछे छूट गया है। हर उस रिश्ते को मजबूत करेंगे जो कहीं पीछे छूट गया है। एक बार अपने होने के एहसास को महसूस करेंगे, एक बार अपने होने के एहसास को महसूस करेंगे इस बात को कि मैं अत्यंत भाग्यशाली हूं। मैं इस रिश्ते में क्या कद रखता हूँ वो मैटर नहीं करता, मैं इस रिश्ते में क्या सोच रखता हूँ वो मैटर करता है। जो सामने वाला नहीं समझ पा रहा, अब मैं उसे समझ सकता हूँ, क्योंकि उलझने से सुलझने की ओर एक ही मार्ग है, माफी मांग लो या माफ कर दो। माफी मांग लो या माफ कर दो। सबको माफ कर दो, सबसे माफी मांग लो। उलझे हुए रिश्तों में हमारे विचार भी उलझे हैं, उलझे हुए रिश्तों में हमारे इमोशन भी उलझे हैं, उलझे हुए रिश्तों में हमारा पेन भी छुपा है, उलझे हुए रिश्तों में हमारी ग्रोथ भी रुकी है। अपने आप को उन रिश्तों से बाहर कर दीजिए। हर वो रिश्ता जो उलझा हुआ है उसे माफ कर दीजिए। एक ऐसी शुरुआत कर दीजिए जो सिर्फ कोई हिम्मत वाला इंसान ही कर सकता है, जो सिर्फ कोई ताकतवर व्यक्ति ही कर सकता है। कमजोर इंसान कभी किसी को माफ नहीं कर सकता,
कमजोर इंसान कभी किसी को माफ नहीं कर सकता। यह काम करने के लिए बहुत शक्ति चाहिए, यह काम करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, यह काम करने के लिए खुद का खुद से एहसास जुड़ा होना चाहिए, खुद का प्रकृति और यूनिवर्स के साथ विश्वास जुड़ा होना चाहिए। अगर आप विश्वास कर सकते हैं स्वयं पर, अगर आप विश्वास कर सकते हैं प्रकृति पर, अगर आप विश्वास कर सकते हैं ब्रह्मांड पर कि वो रिश्ते प्योर हैं और वो हमेशा आपके साथ रहेंगे, वो रिश्ते निस्वार्थ हैं और वो हमेशा आपके साथ रहेंगे, तो माफ कर दीजिए। अपने रिश्तों को प्रेम से भर दीजिए, अपने रिश्तों को माफी से भर दीजिए। उन रिश्ते से जुड़े सभी बैड मेमोरी, सभी विचारों से खुद को आजाद कर दीजिए, अपने मन को हल्का कर दीजिए, अपने मन को हल्का कर दीजिए, स्वयं को मजबूत महसूस कीजिए, स्वयं को मजबूत महसूस कीजिए, अपने आप को बहुत खास, अपने आप को बहुत खास, बहुत स्ट्रोंग महसूस कीजिए। आप माफ कर सकते हैं, आप किसी भी रिश्ते को हील कर सकते हैं, क्योंकि आप तैयार हैं, आप भाग्यशाली हैं, आप प्राकृति की तरह सोचते हैं, आप प्राकृति की तरह निस्वार्थ हैं, आप ब्रह्मांड की तरह निस्वार्थ हैं, आप कोई आम नहीं, कोई आम इंसान नहीं, आप इस ब्रह्मांड में अपने अस्तित्व के साथ हैं, अपने अस्तित्व को पहचानते हुए, अपने जीवन के मकसद को समझते हुए, रिश्ते में उम्र, नाता या ओहदा नहीं, खुद की पहचान माफ करने से दीजिए। और कहीं लगता है तो माफी मांगने की जरूरत है तो माफी मांग लीजिए, सबको माफ कर दीजिए, सबसे माफी मांग लीजिए, खुद को इन बेड़ियों से आजाद कर दीजिए और प्राकृति के तरह निस्वार्थ हो जाए, प्राकृति की तरह निस्वार्थ हो जाए। अपने भीतर की करुणा को, अपने भीतर की समर्पण को सामने आने दीजिए, अपने हृदय को और विशाल होने दीजिए, अपने हृदय को और विशाल होने दीजिए। जो भी रिश्ते खराब होने के कारण हैं, जो भी रिश्ते खराब होने के कारण हैं, उन कारणों को समर्पण और करुणा से ढक दीजिए, समर्पण और करुणा से ढक दीजिए। आप एक बेटर ह्यूमन हैं, आप माफ कर सकते हैं, आप अपने अस्तित्व के साथ जुड़े हुए हैं, आप माफ कर सकते हैं, आप में माफ करने की शक्ति है, आप माफ कर सकते हैं, आप अपने अस्तित्व के साथ जुड़े हुए निस्वार्थ भावना रखने वाले यूनिवर्स के साथ जुड़े हुए एक स्ट्रोंग इंसान हैं, आप माफ कर सकते हैं। स्वयं के भीतर की समर्पण की शक्ति को महसूस कीजिए, स्वयं के भीतर की समर्पण की शक्ति को महसूस कीजिए, स्वयं के भीतर की करुणा को महसूस कीजिए, स्वयं के भीतर के आत्मबल को महसूस कीजिए, स्वयं के भीतर की आत्मशक्ति को महसूस कीजिए और हर रिश्ते को बेहतर कर दीजिए, हर रिश्ते को बेहतर कर दीजिए, बहुत बेहतर, बहुत बेहतर, बहुत बेहतर। खुद को आजाद कर लीजिए हर उस बैड मेमोरी से जो आपके विचार से जुड़ा है, आपके इस रिश्ते से जुड़ा है, सबको माफ कर दीजिए। अपने मन को बिल्कुल हल्का कर लीजिए, बिल्कुल हल्का, बिल्कुल हल्का।
आंखों में आंसू आए तो आने दीजिए, दिल भारी हो तो होने दीजिए, करुणा दया और समर्पण को सामने आने दीजिए, ये तीनों आपके साथ हैं जैसे प्रकृति, यूनिवर्स और आपका आत्मबल, आपका अस्तित्व, ये सब आपके साथ हैं। अपने आप को ताकतवर महसूस कीजिए, कमजोर कभी किसी को माफ नहीं कर सकता, माफ करने के लिए बहुत बड़ी शक्ति चाहिए, सबको माफ कर दीजिए, अपने भीतर की शक्ति का आह्वान कीजिए, अपने रिश्ते की मिठास से रिश्ते की खटास को खत्म कर दीजिए, रिश्तों की मिठास से रिश्तों की खटास को खत्म कर दीजिए, अपने होने का एहसास कीजिए, अपने होने का एहसास कीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप में हिम्मत है, याद कीजिए वो पल जब आपने सारी नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी को ढूंढा था, याद कीजिए वो पल जब आपने सेल्फ को ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ महसूस किया था, याद कीजिए वो पल जब आपका अदर यू आपके साथ खड़ा है खड़ा था, याद कीजिए वो पल जब आपकी इनर कॉन्शियसनेस आपके सामने खड़ी थी, आपकी मेमोरी, आपके स्किल, आपकी मैनेजमेंट, आपके सारे मल्टी इंटेलिजेंट आपके साथ खड़े थे, याद कीजिए वो पल जब सर्कल ऑफ लाइफ के अंदर खड़े होके आपने खुद को महसूस किया था और एडवांस में जाकर जिया था, याद कीजिए वो पल जब आपने स्वयं को इतना पावरफुल किया था कि दूसरों की तरंगों को अचानक से अपने भीतर शिफ्ट कर लिया था। आप में शक्ति है, आप माफ कर सकते हैं, अपनी इनर कॉन्शियस को जगाइए, अपने हार्ट को बड़ा होने दीजिए, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए मतलब खुद को आजाद कर लीजिए, 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 खुद को आजाद कर लीजिए। कम ऑन, अपने इनर सेल्फ से करुणा दया के भावों को बाहर आने दीजिए, समर्पण के भाव को बाहर आने दीजिए और दिल को मजबूत कीजिए। वो प्रॉपर्टी की लड़ाई थी या इमोशन की लड़ाई थी, किसी ने मुझ पर गुस्सा किया या किसी ने मेरे साथ झगड़ा किया, आप अब ज्ञान के साथ खड़े हैं, अपने ज्ञान के सर्वोच्च मार्ग का यूज कीजिए। जिसके पास ज्ञान है, जो इतना सोच सकता है, वही सर्वज्ञ है, वही माफ कर सकता है, सबको माफ कर दीजिए। आपके पास चुनाव है, आप क्या चाहते हैं? आपके पास चुनाव है, आप क्या चाहते हैं? आप आजाद होना चाहते हैं उस रिश्ते से, या उसे आजाद करना चाहते हैं, या अपने विचारों को उन रिश्तों के साथ बंधे रहना चाहते हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। विचार कीजिए बुरे से बुरे पल का, बुरे से बुरे रिश्ते का, और अपने आत्मबल, समर्पण और करुणा की शक्ति से उस हर मोमेंट को माफ करते जाइए।
उस हर पल को माफ करते रहिए। नाराजगी चाहे आपके अपने बच्चों से है या अपने माता पिता से, अपने दोस्तों से है या अपने भाई बहनों से, नाराजगी आपके अपने पड़ोसी से है या किसी गुरु से, ईश्वर से, सारी नाराजगी खत्म कर दीजिए। स्वयं को समर्पण के समंदर में डबो दीजिए, स्वयं को करुणा के समंदर में डबो दीजिए और अपने आप को हर उस नाराजगी से, हर उस बुरे विचार से आजाद कर लीजिए, आजाद कर लीजिए, आजाद कर लीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपनी बॉडी को शेक कीजिए, अपने इनर सेल्फ को जागृत कीजिए, बॉडी को शेक कीजिए, इनर सेल्फ को जागृत कीजिए। मैं मजबूत हूँ, मैं स्ट्रोंग हूँ, मेरे भीतर समर्पण, करुणा और दया बसती है, इस बात का एहसास कीजिए। मेरे भीतर दया, करुणा और समर्पण बसता है, इस बात का एहसास कीजिए। खुद को मजबूत कीजिए, खुद को मजबूत कीजिए और सबको माफ कर दीजिए, सबको माफ कर दीजिए, सबको माफ कर दीजिए, सबसे माफी मांग लीजिए, सबसे माफी मांग लीजिए, सबको माफ कर दीजिए। यस, अब हर एक रिश्ते को जीना है। हर एक रिश्ता अगर मेरे साथ जुड़ा है तो क्यों ना उसे खुश रहकर खुश नुमा तरीके के साथ जिया जाए। अपने आप को मजबूत कीजिए। यस यस यस, You can, आप कर सकते हैं। आप बैड से बैड, बुरे से बुरे सिचुएशन में भी अपने आप को खड़ा कर सकते हैं। ये आपकी ताकत है, आप अकेले नहीं हैं। माफ करने की भावना में स्वयं, प्रकृति, यूनिवर्स और आपका इनर सेल्फ, आप तीनों एक हैं। माफ करने की भावना में आपका इनर सेल्फ, ब्रह्मांड और प्रकृति तीनों एक हैं। हर बुरे से बुरे दौर को जिया जा सकता है, हर बुरे से बुरे दौर को भूला जा सकता है, हर बुरे से बुरे दौर को माफ किया जा सकता है। अपनी इनर पावर का बेहतरीन यूज कीजिए, अपने इनर सेल्फ का बेहतरीन यूज कीजिए, अपने होने का एहसास कीजिए, अपने ताकतवर होने का एहसास कीजिए। यस, कम ऑन, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। स्वयं की शक्तियों का जागरण कीजिए, प्रेम करुणा का जागरण कीजिए, समर्पण का जागरण कीजिए और खुद को ब्रह्मांड प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ महसूस करते हुए माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। खुद को मजबूत महसूस कीजिए, खुद के तेज को महसूस कीजिए, सूर्य की तरह है। चाहे लोग सूर्य को कुछ भी कहें लेकिन सूर्य सबको रोशन करता है। उस प्रकार अपनी इस विचार क्रांति से, माफ करने की भावना से सबको रोशन कर दीजिए, खुद को आजाद कर दीजिए, सामने वाले को भी आजाद कर दीजिए। आई एम फ्री, यू आर फ्री, आई फॉरगिव यू, प्लीज फॉरगिव मी। यस यस यस, हर एक रिश्ते को खुद को प्रकृति से जुड़ा हुआ महसूस कीजिए। पेड़ पौधे जैसे सबको निस्वार्थ ऑक्सीजन देते हैं, आप अपने विचार की शक्ति से सबको माफ कर दीजिए। खुद को प्रकृति के रूप में महसूस कीजिए, अपने विचार से सबको माफ कर दीजिए। दिल और दिमाग को बिल्कुल शांत कर दीजिए, हल्का कर लीजिए, खुद को हल्का कर लीजिए, सबको माफ कर दीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यस, आज अपनी ताकत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कीजिए। व्हाटएवर यू लर्न, अपनी ताकत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कीजिए। अपने इनर सेल्फ को सामने लाओ, अपने इनर सेल्फ को सामने लाओ। भीतर से करुणा, दया और समर्पण के चेहरों को सामने लाओ। बनाइए क्लोन और सब साथ मिलकर उन रिश्तों को व्हाइट कलर की रोशनी से माफ करते जाइए। ढक दीजिए व्हाइट कलर की रोशनी, प्रेम करुणा और समर्पण की प्रतीक है।
व्हाइट कलर की रोशनी से उस सारे बैड रिश्तों की बैड मेमोरीज को क्लीन कर दीजिए। जैसे ब्लैक बोर्ड पे लिखी हुई किसी चीज को मिटा सकते हैं, ऐसे ही हम अपने जीवन में किसी भी खराब रिश्ते में जो खटास के कारण है उनको खत्म कर सकते हैं। और उन रिश्तों को मजबूत होते हुए महसूस कीजिए, उन रिश्तों को हील होते हुए मजबूत होते हुए महसूस कीजिए। समझिए आज कर्म में आप बड़े हैं, आज कर्म करने में आप बड़े हैं, आपका यह कर्म भी आपके साथ जुड़ेगा। माफ करने की शक्ति हर किसी में नहीं है, माफ करने की शक्ति हर किसी में नहीं है। बहुत हिम्मत चाहिए, बहुत मजबूती चाहिए, बहुत प्रेम चाहिए, बहुत समर्पण चाहिए, बहुत करुणा चाहिए अपनी उस दरिया दिली को अपने इनर सेल्फ से प्रकट कीजिए, अपने इनर सेल्फ से प्रकट कीजिए, इनर सेल्फ से प्रकट कीजिए। अध्यात्म यही है भगवान महावीर का संदेश, यही है गौतम बुद्धा का संदेश, यही है दलाई लामा का संदेश। माफी मांग लीजिए या माफ कर दीजिए, आज सारे झगड़ों को खत्म कर दीजिए, अपने भीतर से सारे झगड़ों को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दीजिए, खुद को फ्री कर दीजिए। बहुत ही बढ़िया। और मजबूती के साथ व्हाइट कलर की रोशनी के साथ सभी रिश्तों को हील कर दीजिए। बुरा तो कभी भी सोच सकते हैं, बुरा तो कभी भी बोल सकते हैं, आज कुछ अलग करते हैं अपनी प्रेम करुणा की शक्ति से उन रिश्तों में अपना समर्पण करते हैं। बहुत बढ़िया। पूरी ताकत के साथ खुद को शेक करते हुए, पूरी शक्ति को लगाते हुए माफ कर दीजिए। आंखों से अगर आंसू आ रहे हैं तो आने दीजिए, दिल भारी हो रहा है तो होने दीजिए, बट खुद को ऐसे विचारों और ऐसे अनुभवों से हमेशा हमेशा के लिए आजाद कर लीजिए, अपने आप को आजाद कर लीजिए। एंड से यू आर फ्री, आई एम फ्री टू लिव माई लाइफ, यू आर फ्री टू लिव योर लाइफ, प्लीज फॉरगिव मी आई फॉरगिव यू, प्लीज फॉरगिव मी आई फॉरगिव यू। मैं अपनी जिंदगी जीने के लिए आजाद हूँ, आप अपनी जिंदगी जीने के लिए आजाद हैं, मेरा आपके प्रति अब कोई बुरा विचार नहीं है, मुझे आपसे कोई शिकायत, कोई गुस्सा या आपके प्रति कोई भाव नहीं है। मैं आपको माफ करता हूँ, मैं खुद को माफ करता हूँ, मैं सबको माफ करता हूँ। मेरी कोई गलती है तो मैं आपसे माफी मांगती हूँ, मैं आपको माफ करता हूँ। बहुत बढ़िया। आई एम फ्री टू लिव माई लाइफ, यू आर फ्री टू लिव योर लाइफ, प्लीज फॉरगिव मी आई फॉरगिव यू, प्लीज फॉरगिव मी आई फॉरगिव यू। हर एक छोटे से छोटे रिश्ते को माफ करते जाइए, हील करते जाइए और खुद को बड़ा महसूस करते जाइए कि आपका ये समर्पण व्यर्थ नहीं जाएगा। हर एक रिश्ता सामने आएगा और उसे भी इस बात का एहसास होगा कि आप उसके जीवन में कुछ खास हैं। इन बातों का एहसास उन रिश्तों को जरूर होगा। खुद को मजबूत विचार क्रांति के साथ अपने प्रेम और समर्पण का सबसे स्ट्रॉन्ग प्रदर्शन कीजिए। खुद ही ब्रह्मांड बन जाइए, खुद ही अपनी इनर सेल्फ की ताकत को जगाइए। अनकंडीशनल होकर, निस्वार्थ होकर सबको माफ कर दीजिए और उन डोरों को इतना मजबूत कर लीजिए कि अब कोई आपके रिश्तों की डोरों को हिला ना पाए, खींच ना पाए, तोड़ ना पाए,
मेरे रिश्ते मजबूत हैं, मेरे रिश्तों के बीच के दायरे अब खत्म हो गए हैं, ना कोई बुरा विचार है, ना कोई शिकायत है, ना कोई गिला शिकवा है। बहुत बढ़िया, पूरी ताकत के साथ सभी रिश्तों को मजबूती से जिएंगे, खुद को ताकतवर महसूस करेंगे, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आप शक्तिशाली हैं, आप मजबूत हैं, आप प्रेम और करुणा से भरे हुए हैं, आप माफ करने की, माफी मांगने की क्षमता रखते हैं, आप यूनिवर्सल हैं, आप प्राकृतिक हैं, आप किसी भी प्रकार से किसी भी चीज के लिए किसी भी व्यक्ति को आसानी से माफ कर सकती हैं और उन रिश्तों को मजबूती से जिएंगे, सारी डोरों को मजबूत करेंगे, और अगले 3 मिनट के अंदर हर रिश्ते को मजबूत होते हुए, जितने हमारे अच्छे रिश्ते हैं उन अच्छे रिश्तों को और मजबूत होते हुए महसूस करेंगे, और खुद को भगवान महावीर, गुरु नानक देव, गौतम बुद्ध, जीसस क्राइस्ट, ओशो, स्वामी विवेकानंद जैसी महान हस्तियों से, ब्रह्मांड से ब्लेस होते हुए महसूस करेंगे, क्योंकि आज आपने वो किया जो आपके गुरुओं ने आपको हमेशा समझाया, आज आप वो कर पा रहे हैं जो हमेशा से महान व्यक्तित्व और महान सोच के लोग करते आए हैं। आज आपने उस करुणा को अपना हथियार बनाया है, प्रेम को अपना हथियार बनाया है, तो प्रेम से प्रेम ही छलकेगा, करुणा से करुणा ही छलकेगी, समर्पण से समर्पण ही छलकेगा। इन सभी महान व्यक्तित्व के लोगों से स्वयं को ब्लेस होते हुए महसूस कीजिए, आज आपने भगवान बुद्ध के विचारों को जिया है, आज आपने ओशो के विचारों को जिया है, आज आपने महावीर स्वामी के विचारों को जिया है, आज आपने स्वामी विवेकानंद के विचारों को जिया है, आज आपने जीसस क्राइस्ट के विचारों को जिया है, आज आप सबको माफ कर पा रहे हैं, आज आप सबसे माफी मांग पा रहे हैं, आज रिश्तों में आप बहुत मजबूती से खड़े हैं, खुद को मजबूती से महसूस कर पा रहे हैं, अपने इनर सेल्फ के साथ आप खुद को मजबूत महसूस कर पा रहे हैं, जैसे ये प्रकृति मजबूत है अपने टर्म्स को लेकर, जैसे ये ब्रह्मांड मजबूत है अपने टर्म्स को लेकर, ऐसे ही हम भी मजबूत हैं अपने इरादों को लेकर। हम हर रिश्ते में अपना समर्पण, प्रेम और करुणा डालते हैं, सबको माफ करते हैं, सबके साथ मजबूती से खड़े होते हैं जो हमारे साथ हैं, हम निस्वार्थ उनके साथ हैं, जिनको हमने माफ कर दिया वो हमारे विचार में भी नहीं, हम उनके विचार में भी नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपने रिश्तों को हील कीजिए, बहुत ही बढ़िया, अपनी सारी ताकत लगा दीजिए अगले 1 मिनट के अंदर। आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ बहुत महान लोगों के विचार हैं, आपके साथ बहुत महान व्यक्तित्व की सोच रखने वाले संतों के आशीर्वाद हैं, स्वयं ब्रह्मांड है आपके पास। अपने इनर सेल्फ से प्रेम, करुणा और दया की बारिश कर दीजिए, देखिए आपके ऊपर ब्रह्मांड की तरफ से पूरी ब्लेसिंग्स हैं,
आप ही ने कहा मैं अत्यंत भाग्यशाली हूँ क्योंकि ये यूनिवर्स मुझे बहुत प्यार करता है। आप ही ने कहा कि मैं इस यूनिवर्स का सबसे लाडला बच्चा हूँ। आप ही कर सकते हैं। यस यू कैन एंड से यस आई कैन, यस आई कैन, और माफ करते रहिए, पूरी ताकत से बोलिए यस आई कैन, यस आई कैन, यस आई कैन, यस आई कैन। सभी रिश्तों को माफ कर दीजिए, सभी रिश्तों को माफ कर दीजिए, सभी रिश्तों को माफ कर दीजिए, और स्वयं को बहुत मजबूत महसूस कीजिए। स्वयं को बहुत मजबूत विचारधारा से जुड़ा हुआ व्यक्तित्व वाले इंसान के रूप में महसूस कीजिए। स्वयं को भगवान महावीर, ओशो, बुद्धा, स्वामी विवेकानंद, गुरु नानक देव जी जैसी महान हस्तियों की गोद में महसूस कीजिए। देखिए आज आप उन सब के लाडले हैं। आज आपने अपनी विचारधारा, अपनी विचार क्रांति के दम पर खुद को मुक्त किया है, खुद को आजाद किया है, खुद को आजाद किया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सबके प्रति धन्यवाद का भाव रखते हुए, उन शक्तियों के प्रति धन्यवाद जो हमें इस ओर ले जाती हैं, धन्यवाद अध्यात्म के प्रति, धन्यवाद स्पिरिचुअलिटी के प्रति, धन्यवाद उन सभी विचारकों के प्रति जो हमें माफ करने का विचार देते हैं, धन्यवाद हमारे इनर कॉन्शियसनेस का जो हमें एलो करता है, धन्यवाद प्रकृति, ब्रह्मांड और उन सभी चीजों का जिन्हें हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जिनका एहसास हमारे साथ जुड़ा है। सबके प्रति धन्यवाद, सबके प्रति धन्यवाद, सबके प्रति धन्यवाद। धन्यवाद हर उस रिश्ते का जो मेरा पैदा होने के साथ ही मेरे साथ जुड़ा, धन्यवाद उस हर रिश्ते का जिसने मुझे कुछ ना कुछ सिखाया, धन्यवाद हर उस रिलेशन का जिसकी वजह से कभी मेरे चेहरे पर स्माइल आई, धन्यवाद उन हर अच्छी मेमोरीज का जो रिश्तों से मुझे आई, धन्यवाद हर उस लर्निंग का जिसकी वजह से मेरा वजूद है, धन्यवाद उन सभी विचारों का जिनकी वजह से मैं मजबूत हुआ, धन्यवाद 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 के भाव से दोनों हाथ को रब करते हुए स्लोली ओपन योर आइज, स्लोली ओपन योर आइज, स्लोली ओपन योर आइज। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो उम्मीद करता हूँ कि मन हल्का हुआ होगा, एहसास मजबूत हुए होंगे और खुद की इनर स्ट्रेंथ को हमने एनालाइज किया होगा कि हम कितने मजबूत हुए। हम कल तक जो जो बाहरी विचार होते हैं हमें डोमिनेट करते हैं, हमारे जो विचार होते हैं वो हमारे संबंधियों से रिलेटेड ही ज़्यादा होते हैं, मतलब जिनको हम जानते हैं उनसे रिलेटेड विचार ही हमारे जीवन के अंदर ज़्यादा जुड़े होते हैं। और इस प्रकार की एक्सरसाइज से हम अपने आप को फ्री कर सकते हैं और हम उनको भी फ्री कर सकते हैं, क्योंकि हमारे वाइब्रेशन जुड़े हुए हैं और जो हमारे जुड़े हुए वाइब्रेशन हैं ये कहीं ना कहीं हमारी लाइफ पे, हमारी लाइफ के पैटर्न्स पे, हमारे बिहेवियर्स पे असर तो डालते हैं। तो माफ करना एक अद्भुत शक्ति है और जितने भी लोगों के साथ महान जुड़ा दो ही रीजन से जुड़ा। पहला, जैसे किसी ने कहा सिकंदर महान, इसका मतलब ये नहीं कि सिकंदर कोई महान व्यक्ति था, सिकंदर कोई महान व्यक्ति नहीं था। सिकंदर ने अपने जीते जी इतिहासकार से शब्द लिखवाया था और कोई ऐसा महान कार्य नहीं किया कि उसे महान कहा जाए। लेकिन कुछ लोग जो मरणों उपरांत महान हुए, जैसे कि स्वामी विवेकानंद, भगवान महावीर, गौतम बुद्धा, जिनकी विचार क्रांति से संसार में हमें ये सीखने को मिलता है कि माफ़ी मांगने की कितनी बड़ी शक्ति है और माफ़ करने की कितनी बड़ी शक्ति है। उन दिव्य आत्माओं का जो अद्भुत एहसास हमें मिलता है, उनसे जो हमारा रिश्ता जुड़ा हुआ होता है आध्यात्मिक रूप से, उनको हम सिर्फ इसी भावना से महसूस कर सकते हैं कि हमने सबको माफ़ कर दिया, हमने सबसे माफी मांग ली, हमने सबको आजाद कर दिया, हमने स्वयं को आजाद कर दिया। तो मिलते हैं रात को 10 बजे
फॉर व्हाट, फॉर वेलकम 2023। ठीक है जी, तो क्या हम तैयार हैं? मुझे नहीं लगता कुछ भी बचा है हमारे पास, अब तो सिर्फ एक ही चीज बची है, इंजॉय ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ विद आवर स्टाइल। जो मेरा स्टाइल है उसी के साथ मैं अपनी जिंदगी को जीऊंगा। और सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, 5वीं सदी में गुरु नानक देव जी ने कहा था और समझ लोगों को अभी तक नहीं आया, एंड दैट्स द ट्रू कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, उससे आज हम फ्री हो गए एंड हमने सबको भी आजाद कर दिया। तो मिलते हैं रात को 10 बजे, अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखें। ईश्वर आपको मान सम्मान सुख समृद्धि धन दौलत ऐश्वर्य अच्छी सेहत मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करें, ऐसी हमारी ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।